ही गाइस, अगर आप पार्टी या शादी में जाना चाहते हैं और अपने फेस को यानी कि अपने मेकअप को केकी नहीं बनाना चाहते हैं, 24 घंटे आपका मेकअप टिका रहे, वाटरप्रूफ रहे, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो सीखने को मिलेगी। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यानी कि बिगनर लोगों के लिए मेकअप कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, मेकअप के शुरुआती में क्या लगाया जाता है, वो बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जिसको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी सीख सकता है इस छोटे से वीडियो से। और मेकअप सीखना चाहते हैं, आपको मेकअप का ABCD भी नहीं आता है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपको डेफिनेटली ये वीडियो देख करके सारी चीज़ें पता चल जाएगी, क्या कॉम्पैक्ट होता है, क्या फाउंडेशन होता है, क्या प्राइमर होता है, यानी कि और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और क्या हमें यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, ऑयली फेस पे क्या यूज़ करना है, ड्राई फेस पे क्या यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, आई श्योर। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़र कर लेंगे। तो वो मॉइस्चराइज क्रीम, अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई है, सबके लिए हमें मॉइस्चराइज करना ही चाहिए। अगर ड्राई है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में करनी चाहिए, ऑयली है तो कम। तो मेरी ऑयली है तो मैं हल्का सा, यानी कि जहाँ यहाँ सब हमारा ड्राई हो जाता है, ये नेक एरिया में जो है हमारा जो हल्का सा जो ऑयलीपन आता है, या अगर आपको ये भी नहीं पता है कि हमारा ड्राई स्किन कैसा यानी ऑयली स्किन भी कैसा होता है, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं जब इसके पहले मैं मेकअप के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो मैं सोचती थी कि ऑयली स्किन क्या होता है, ड्राई स्किन क्या होता है। रियली फ्रेंड्स, मैं सोचती थी हाँ सच में ऑयली स्किन कुछ और होता है क्या। तो फिर आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब मैं ऐसा भी सोचती थी। बट बोलते हैं ना कि सीखने पर अगर हम आ जाएँ तो क्या नहीं सीख सकते हैं, तो वैसे ही आप मेकअप अगर सीखना चाहते हैं तो बहुत ईजिली सीख सकते हैं। तो ये देखिए, तो हम जो है अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिए हैं, और इसे मॉइस्चराइज करने के बाद हमें कुछ इस तरह से देखिए। अब हमारा दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्राइमर। तो प्राइमर आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको सूटेबल एंड अफोर्डेबल पड़े। तो हमें बहुत कम सा लेना रहता है, जैसे कि इतना आप देख ही सकते होंगे, इतना हमें लेना है। और इसे जो हमें नेक एंड इधर चीक के पोर्शन पर, हमें ये हमारे फेस को एक लेयर देता है, इसे हमें थोड़ा सा ही अप्लाई करना होता है, ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये हमारे जो फाउंडेशन एंड ज़्यादातर अगर आप लूज पाउडर यूज़ करेंगे या कॉम्पैक्ट पाउडर, तो वो हमारे फेस पर टिकेगा नहीं, वो जल्दी से सिल्क मीन्स ये बहुत सिल्क होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। तो कुछ इस तरह से हम अप्लाई कर लिए हैं अपने फेस पर प्राइमर। अब दूसरा स्टेप जो आएगा, तो अब दूसरा स्टेप जो होता है अब होता है फाउंडेशन का। तो ये मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, और इस फाउंडेशन को कितना अप्लाई करना है, देखिए कुछ इतनी क्वांटिटी में। और कोई भी चीज़ हमें पहले इस तरह से ब्लेंड करते हुए ही अपने फेस पर डॉट डॉट करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने थर्ड स्टेप में प्राइमर अप्लाई किया है। तो आप अदर सब वीडियो देखते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसमें तो ये बताएं, इसमें तो वो बताएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली मैं मुझे भी जब आता नहीं था तो मैं भी ऐसे कंफ्यूज रहती थी। आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, डोंट वरी। हमें कोई भी चीज़ अगर हम ब्लेंड कर रहे हैं
या आप पॉम-पॉम से कर रहे हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह से डैब डैब करके करना है, ना कि ऐसे करके करना ही। इससे आपका क्या है, फाउंडेशन होगा या कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो निकल जाएगी। तो अब हमारा जो है थर्ड चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको आईलाइनर, काजल एंड आईब्रो, ये तीनों आपको ऑप्शनल है, आप इसे कर सकते हैं या नहीं भी। तो मैं बेसिक मेकअप के बारे में क्या कैसे लगाया जाता है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलूँगी, ना कि मैं ये सब में टाइम वेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड स्टेप हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो लूज़ पाउडर जैसे कि ये यूज़ कर सकते हैं, या कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है आपके फेस को जो है मेकअप को सेटअप करता है, जबकि जो लूज़ पाउडर है बस हमारे फेस को जो है कवर कर देता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर यूज़ करना चाहते कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। और अगर आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप क्या करें वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अगर आप अपने चीक को रेड करना चाहते हैं, तो आप कोई सा भी आपको जो कलर पसंद है वो ले सकते हैं। और आपको चीक को रेड कैसे करना है, कुछ इस तरह से करना है, हल्का सा। ये बहुत ही डोली मेकअप चाहिए, बहुत ही हल्का सा। ये वीडियो में शूट करने के लिए कर रही हूँ मेकअप। तो अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो है मेकअप काफ़ी टाइम तक टिका रहे, केकी ना लगे, यानी कि बहुत मेकअप करने के बाद जो है बाद में जो है 1-2 घंटे के बाद अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये देखिए, ये मेकअप फिक्सर, मैट वाले मेकअप फिक्सर हैं, इस तरह से आप देख ही सकते हैं मैट। तो इसे आपको यूज़ करना है। तो अगर आप आई मेकअप किए हैं, एक्चुअली में मैंने नहीं किया है, तो अगर आप आई मेकअप किए हैं तो आपको इस तरह से आप हाथ रख करके फिर स्प्रे करें। नहीं तो जैसे आईलाइनर, काजल, अगर आपका वाटरप्रूफ नहीं हुआ तो फिर वो बिखरने के चांस हैं। तो आपको इस तरह से, ये देखिए, तो इससे क्या है आपका फेस जो है काफ़ी टाइम तक सेटिंग स्प्रे से आपका जो है मेकअप टिका रहेगा। और फिर इसको जैसे कि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद भी हम देखेंगे, आप इसे देख सकते हैं ये कितना, मीन्स ये हटने वाला नहीं है, ये मैट मैट फिक्सर है, तो आप समझ ही सकते हैं। अब इसे हमें थोड़ी देर सूखने के लिए रखना है, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपका लॉन्ग लास्टिंग जो मेकअप है कैसे चल सकता है। ये वाटरप्रूफ मेकअप मैं छोटी सी वीडियो में बता रही हूँ। तो ये 2 मिनट में हमारा जो है फेस थोड़ा ड्राई हो चुका है, थोड़ा है चिपचिपा सा। तो फ्रेंड्स, इसको हमें और हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन और लगाना है। अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, बट हमें थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए इस तरह से। और हमारा मेकअप जो है थोड़े टाइम चले 12 से, ये मीन्स आपको इतने अफोर्डेबल में मैं आपको ऐसा मेकअप बताना चाह रही हूँ जो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और जिसे आप मेकअप भी सीख लें। इसको थोड़ा ड्राई होने तक, तब तक मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ।
तो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब हम फिर से ये जो है फिक्सर, मेकअप फिक्सर को अप्लाई करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया फिक्सर अप्लाई कर रहे हैं और आई मेकअप किए हुए हैं, तो इसे आपको हाथ रख करके तभी अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह से अप्लाई कर लेना है। हमें थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देना है, जैसे कि ये ड्राई हो जाए फिर हमें जो है कॉम्पैक्ट पाउडर को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा आई थिंक, जो कि हम नॉलेज 3-4 सालों में क्रिएट करते हैं अपने ऊपर अप्लाई कर करके, फिर उसके बाद ही अपने रिजल्ट को देखते हैं, जानते हैं, और जो सारी एक साथ हम एक ही वीडियो में सारी बातें बताते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे जो है थोड़ा सा ये ड्राई हो चुका है, अब मैं इस पर जो है कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ बना रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।